अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबके? हेलो, हाय, लॉट ऑफ पीपल आर जॉइनिंग इन. आयशा जलानी, निमरा जरदारी, हाय हाय हाय, फातिम खान. अभी अगर हमें ज़्यादा लोग जब ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मुनाफिक. अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ड्रामा मुनाफिक, थैंक यू सो मच. थैंक यू उमे 254. थैंक यू हलीमा. अच्छा जी, तो जी जैसे कि आपको पता है कि मुनाफिक जो है वो एंड होने वाला है. दिस वेंसडे विल बी द लास्ट एपिसोड ऑफ मुनाफिक. और मैं और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट और जियो टीवी जो है वो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बिकॉज आप लोगों ने मुनाफिक को इतना बड़ा सक्सेसफुल हिट बनाया है जो कि अब मुनाफिक है. बिकॉज हम लोग जब शूट कर रहे थे तो हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, नहीं ना मुनाफिक है तेरे दिल में तेरे कुछ और है. प्रीति क्यू, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है ड्रामे में. मैंने उसको थोड़ा सिंपल रखा है बिकॉज उजाला जिस तरह की लड़की है वो दिखावे को वो और इतना ज़्यादा पहनने ओढ़ने इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज वो बहुत सादा सी लड़की है. थैंक यू. अच्छा जी, तो जब हम शूट कर रहे थे तो हमें नहीं पता था कि मुनाफिक इतना हिट हो जाएगा. और ये अल्लाह ताला का करम है और आप लोगों ने जो हिट बनाया है मुनाफिक को और पसंद किया है, इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है कि मैं बता नहीं सकती हूँ. आई लव यू ज़ारा, थैंक यू फराजर. इतना प्यार. आपको क्या लगता है वैसे मुनाफिक के बारे में, अगर हम बात करें तो मुनाफिक में जो है वो लोगों की मुनाफ़िकत दिखाई है जो कि हमारे अराउंड जो लोग होते हैं वो आपको ऐसा लगता है कि आपके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं जो मुनाफिक हैं, जो दिल में जिनके कुछ और होता है और मुंह पे कुछ और होता है, जैसे कि इसमें अरमान को और सबिया बेगम को जो कि मरीना आपा कैरेक्टर कर रही हैं. वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो लोग हैं, आप हर वक्त रोती रहती है, मैं इसके बारे में आपको अभी बताती हूँ, ठीक है? थैंक यू मारिया फैसल. अच्छा जी, अब आपको ऐसा लगता है कि आजकल सब लोग ही मुनाफिक हैं. हाउ मेनी एपिसोड लेफ्ट? 3 एपिसोड्स अभी, आज कल और परसों जो है वो, परसों इज गोना बी द लास्ट एपिसोड ऑफ मुनाफिक वेंसडे को. तो आपको ऐसा लगता है कि मुनाफिक लोग आपके अराउंड मौजूद हैं जो कि झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी करते हैं और दिल में कुछ और होता है तो मुंह पे कुछ और बोलते हैं, अमानत में खयानत करते हैं. लिथियर वेयर, आजकल सभी मुनाफिक हैं. आप बहुत क्यूट लग रही हैं रोते हुए. अच्छा हाँ, इस पे मुझे आना था. आज मैं आप लोगों को सिर्फ हंस के दिखाऊंगी, सिर्फ हंस के, मैं रो के नहीं दिखाने वाली आप लोगों को, बिकॉज आप लोगों ने वो उजाला को बहुत रोते हुए देखा है एंड लॉट ऑफ पीपल हैव बीन मैसेजिंग मी कि भाई आप रोती क्यों रहती हैं, आप रोती क्यों रहती हैं. बेसिकली बात यह है कि जी उजाला जब मुनाफिक लोगों में सराउंड होती है और वो दिल की इतनी साफ है कि वो लोगों पे भरोसा करती है, लोगों पे जब भरोसा करती है और वो उसको धोखा देते हैं लेकिन फिर वो उनको माफ़ करती है, फिर भरोसा करती है और फिर वो उनको धोखा देते हैं, तो फिर उजाला रोती रहती है. बिकॉज एक वो ऐसी लड़की है जो कि लोगों को तो कहती है कि आप सब्र करो, बट
इंसान तो इंसान होता है, जो कितना भी किसी को कह दे कि ठीक है आप सब्र करो, बट कुछ बातों पे वो टूट जाता है. तो उजाला जो है वो जब टूटती है तो वो रोती है. तो वो अब मैं क्या कहूँ कि वो इस तरह से हुमा हिना नफीस ने बहुत खूबसूरती से ये ड्रामा लिखा है. और लेकिन उन्होंने मुझे रुलाया बहुत, ये मैं उनसे कहूँगी, बहुत रुलाया. उसके बाद जो हमारे डायरेक्टर हैं सलीम खांची, वो भी रोए बगैर मुझे रहने नहीं देते थे. वो अगर मैं कभी नहीं भी रो रही हूँ तो वो ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी होती थी कि मुझे रोना पड़ता था, तो वो आंसू के बगैर मुझे सीन करने नहीं देते थे. तो ये है कहानी उजाला की. ओके, प्लीज से माय नेम किंजा नदीम. ठीक है, आप सिर्फ लाइव ही आएंगी या फिर आने एनी कैरेक्टर्स ऑफ मुनाफिक जी? खबर मिली है कि बिलाल और अदील भी लाइव जाएंगे, और वो इंशाल्लाह कल परसों में जाएंगे लाइव. तो यू कैन चेक देयर अकाउंट्स एज वेल एज जियोज इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर डिटेल्स. उजाला को रोते हुए देखा है लेकिन फातिमा को हंसना होगा. हाँ जी, मैं हंस के दिखा रही हूँ आपको. अच्छा जी मैम, आप दो गबरू जवान कैसे? ठीक है. वो मुनाफिक इज द बेस्ट ड्रामा. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अच्छा जी, तो बात हो रही थी मुनाफिक की. फातिमा, अम्मा सिंह वाई अदील डूइंग सो मच बैड टू उजाला. देखें, अदील और मरियम और मरीना जी, ये रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे लोग हैं. ऐसे आप उनको जज मत करें कि वो बहुत बुरा कर रहे हैं. इट्स देयर कैरेक्टर. एंड आई थिंक कि अगर आपको उनसे नफरत हो रही है तो वो उन्होंने अपना कैरेक्टर बिल्कुल जस्टिफाई किया. हमज़ा के कैरेक्टर को आप लोगों ने बहुत पसंद किया. हमज़ा एक्चुअली जो है वो, जो हमज़ा का कैरेक्टर है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट हैज़ टर्न आउट टू बी रियली गुड. एंड बिलाल ने उसको इतना अच्छा किया है कि वो, आपको लगता है ऐसा कि रियल लाइफ में जो है वो ऐसे होता है कि, ऐसे कभी हुआ है कि आप किसी को इतना चेंज कर सकें जितना उजाला ने हमज़ा को किया है, कि वो इतना ज़्यादा, वो उजाला को किडनैप कर चुका है दो बार, और लेकिन वो उसको, उसकी पॉजिटिविटी उजाला की इतनी पसंद आती है कि वो बिल्कुल चेंज हो जाता है. हाउ क्यूट, आप दुपट्टे में बहुत प्यारी लगती हैं. थैंक यू. माई मदर इज़ योर फैन, शी यूजली क्राई वाइल वॉचिंग मुनाफिक. हाँ, मुझे अम्मियों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हमारी अम्मी रो रही हैं, आप लोग यहाँ पे हंस रहे हैं, आप लोग यहाँ पे सेल्फीज ले रहे हैं, और आप लोग जो है वो हमारी अम्मी रो रो के अरमान को जो है वो बातें सुना रही हैं, ये वो. तो आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों को मुनाफिक इतना इतना दिल के आपके करीब है. आपको पता है उजाला से इंस्पायर होके मैंने नमाज स्टार्ट की. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट, कि अगर किसी ने उजाला के कैरेक्टर से इंस्पायर होके नमाज स्टार्ट की है, बहुत अच्छी बात है. माशाल्लाह, हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसका सवाब हम सबको थोड़ा थोड़ा जाए, अल्लाह करे. बट आई एम रियली ग्लैड कि आपको उजाला के कैरेक्टर ने इंस्पायर किया और आपने नमाज स्टार्ट किया. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मैसेज आई विल एवर गेट. आपकी केमिस्ट्री बिलाल के साथ बहुत अच्छी रही है, पहले एदिल तो बता और अब मुनाफिक, अमेजिंग ड्रामा, थैंक यू सो मच. मुझे भी ऐसा लगता है कि जब बिलाल और मैं, आई डोंट नो, इट्स लाइक ऑटोमेटिकली हम लोगों ने, क्योंकि साथ में एदिल तो बता भी किया था, तो इट वॉज़ बेटर टू
act with him because it came out really good. बहुत अच्छा experience रहा है. और हम लोग के scenes ऐसे हो जाते थे कि पता भी नहीं चलता था, क्योंकि हमें पता होता था कि उसने क्या act करना है, मैंने क्या react करना है, मैंने क्या act करना है, उसको क्या react करना है. अच्छा जी. और हाँ, quarantine में कैसा time जा रहा है आप लोगों का? It's the drama of quarantine. हाँ, अल्लाह करे कि ये हमारी दुनिया से ख़त्म हो जाए कोरोना. और आप लोगों की क्या मसरूफियत चल रही है आजकल क्वारंटीन में, ये बताएं मुझे. मुनाफिक देखने के अलावा क्या कर रहे हैं आप लोग? आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है, थैंक यू. लिपस्टिक घर में कौन लगाता है? मुझे आप लोगों से मिलने आना था ना, इसलिए मैंने लिपस्टिक लगा ली और कुछ नहीं लगाया. सॉरी लिपस्टिक लगा ली यार, माफ़ कर दो. आप मुनाफिक ड्रामे में ड्रेसिंग, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी लगती हैं, मैं बिग फैन. थैंक यू सो मच. अच्छा जी, ये बताएं आप लोग मुनाफिक मिस करेंगे जब हम लोग चले जाएंगे आपकी स्क्रीन से वेंसडे को? Even my daughters know you are Ujala in Munafiq. Sweet. मसरूफियत ये है कि अच्छा, सबिया बेगम का रियल नेम क्या है? सबिया बेगम का रियल नेम मरीना खान है, बहुत सीनियर एक्ट्रेस है हमारी, और उन्होंने ड्रामे में बिल्कुल जान डाली है हमारे. अलीज़े शाह सेम माई नेम. क्वारंटीन में पबजी खेल रहे हैं. यस वी विल मिस मुनाफिक मैंने डेंस. अच्छा जी, ये मैसेजेस आ रहे हैं कि पढ़ना मुश्किल हो रहा है उनको इस ड्रामे में. आपने, आपको बहुत रोना पड़ा है इस ड्रामे में, कसम से मैं बता रही हूँ, इतना ज़्यादा मैं रोई हूँ इस ड्रामे में. और आप लोग कभी कभी, आप लोग मुझे कहते हैं कि हम आपको रोता हुआ देख देख के जो है ना, वो अब नहीं आपको रोता हुआ देख सकते. आप सोचें मैं पूरा दिन रोती थी शूट पे. और इंशाल्लाह अब जो है वो, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप अब नेक्स्ट टाइम मुझे रोता हुआ ना देखें. व्हाट विल बी द नेम ऑफ योर नेक्स्ट ड्रामा? अभी फिलहाल बिकॉज ऑफ क्वारंटीन आई हैवंट साइंड अप ऑन एनीथिंग, एंड आई एम स्पेंडिंग माई टाइम विथ माई फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे घर. और आपको पता ही है कि आजकल मेड्स नहीं आ रही, तो आजकल फिलहाल हम लोग जो है वो फुल जो है वो दुपट्टा साइड में मार के और घर के कामों में लगे हुए. ओके, महावीर अलमीर के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, देर आउटसाइड, उनको मैंने रूम के बाहर बंद किया बिकॉज फिर वो डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा. अच्छा जी, आपको हंसी नहीं आती ड्रामे में काम करते हुए? नहीं जी, हंसी नहीं आती मुझे. हंसी क्यों आएगी? हंसी आप लोगों से बात करते हुए आती है, क्योंकि खुशी होती है दिल से, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुनाफिक को, जाला को, मेरे कैरेक्टर को. आई नो काफ़ी लोग रिलेट नहीं कर पा रहे कुछ चीज़ों से उजाला की, कि उजाला जो है वो इतनी फॉरगिविंग क्यों है अरमान की तरफ, और हमजा को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती. बट द थिंग इज़ कि किसी भी मैरिड लड़की के लिए उसके हस्बैंड का दोस्त, जो उसके हस्बैंड चाहे उसका कितना भी बुरा है, बट उसका हस्बैंड का दोस्त
जो कि उसको प्रपोज कर रहा है, जो कि उसको दो बार किडनैप कर चुका है, उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, मुश्किल होता है. एज लॉन्ग एज शी इज़ मैरिड तब तो बहुत मुश्किल होता है. आई लाइक योर हेयर स्टाइल इन मुनाफिक ड्रामा. थैंक यू. हेयर स्टाइल सर पे मोस्टली दुपट्टा ही होता था, तो वो जो हम कर सके उसमें हमने हेयर स्टाइल किया है. बहुत सिंपल सा और सिंपल सा गेटअप उजाला था. ओके, आप हमजा से शादी कर लेना. इकरा शायद अदील भी आपके साथ लाइव आएंगे. नहीं, अदील अलग से लाइव आएंगे बिकॉज क्वारंटीन है, हम सब अपने अपने घर में हैं, तो हम सब अपने अपने घर से लाइव आ रहे हैं. और कैन यू प्लीज से नवाल, प्लीज. हाय नवाल. अच्छा मुझे बताएं, मैं आप सबके नाम ले लूंगी एक दिन, मैं अपने अकाउंट से भी लाइव जाऊंगी, मैं अपने नाम ले लूंगी. मुझे ये बताएं आपको बेस्ट बात क्या लगी मुनाफिक के बारे में, वो लिखें. मैम ड्रामा इतना अच्छा है, आप इतनी जल्दी क्यों एंड कर रहे हैं? क्योंकि अच्छी चीजें वही होती है ना जो टाइम पे एंड हो जाए. अगर हम उसको लंबा करेंगे तो आप कहेंगे इतना लंबा ड्रामा कर दिया है, अब बंद करें, अब ख़त्म कर दें. तो अच्छी चीज़ें वही होती हैं जो कि अपने टाइम पे एंड हो जाएं. और रोज़ रोज़ का आना अच्छा होता है, लेकिन एक वक्त तक होता है. इतना अच्छा लगा आप लोगों से रोज़ मिलते रहे हम, और हफ्ते में 5 दिन लगातार रोज़ एक रूटीन बना हुआ था. जो भी लोग मुझे बताते थे कि हम भाई 7 बजे जो है हम TV स्विच ऑन कर लेते हैं, यही इस्लाम दिखाया गया है. और ये बेस्ट बात लगी ड्रामे की. थैंक यू सो मच. आप नमाज पढ़ती हुई, थैंक यू. असल में बात यह है कि मोस्टली जो जियो के ड्रामास होते हैं उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मोस्टली जो है वो हमारे रिलीजन के मैसेजेस को डिलीवर करने की कोशिश की जाती है, जो कि ताकि जैसे अभी किसी का मैसेज आया कि जी आपको देख के हमने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, तो ये बहुत अच्छी बात है. और अभी एक इनका सीरीज़ और चल रही है मकाफात, वो भी रिलीजन से रिलेटेड है कि मकाफात अमल जो होता है उसमें भी मैंने एक प्ले किया है, वो भी ऑन एयर जाने वाला है. आई थिंक हमजा अर्न हर ट्रस्ट. हाँ, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द ड्रामा. दिस इज व्हाट यू फील. ओके, हमारे मैसेज भी पढ़ लो. तूबा ओवैस खांजी, तूबा आपको पता नहीं है यहाँ पे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो रहा है. यार आप नेम कॉल करें. उमेहानी, अच्छा जी. हमजा से शादी कर लें. ओके, ड्रामे से बहुत कुछ सीखने को मिला. योर एक्टिंग स्किल्स, थैंक यू. मुझे मुलाजमा की सिंसियरिटी अच्छी लगी. हाँ भाई, नगीना जो है वो हमारी बहुत ही कोई चीती एक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं. सैम खान नाम है उनका. और आपकी सारी बातें जो आप नमाज और कुरान शरीफ के हवाले से करते हैं, छोटी छोटी बातों में दीन की बातों का बताना बहुत अच्छा लगा. इसका क्रेडिट जो है वो हुमा हिना नफीस को जाता है, जिन्होंने इतना अच्छा उसको लिखा. और सलीम खांची जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने पूरी जान डाली है ड्रामे में. फातिमा, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, प्लीज लेट अस नो. आई एम बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग. आप टोटल कितने? फातिमा, आई लव यू, वॉश यू सिंस कटवी चट एंड जिंदान. थैंक यू. रिलेट योर लाइफ
with your character Ujala in real life? उजाला से मैं रिलेट करती हूँ काफ़ी चीज़ों में, बहुत सी चीज़ों में, और डिफरेंशिएट भी करती हूँ बहुत सी चीज़ों में. मतलब हम टोटली वो कैरेक्टर पोर्ट्रे नहीं करते जो कि हम हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उजाला ने बहुत जो पेशेंस दिखाया है पूरे ड्रामे में, मुझे नहीं लगता कि शायद मैं इतना दिखा पाऊँ, बीइंग ऑनेस्ट. और आप मकाफात में रोई तो नहीं? नहीं, मकाफात में मैं नहीं रोई. मकाफात में मेरा बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, क्योंकि आप लोग मुझे देखना चाहते थे कुछ डिफरेंट में, तो उसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर है. तो आप देखेंगे तो आपको उजाला से एक चेंज मिलेगा. आपका ड्रामे में बेस्ट सीन जब आप रोई थी, उस वक्त आप बिल्कुल महावीर जैसे ही लग रही थी, क्यूट.